फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल केशव ट्यूटोरियल में। हम लोग पढ़ रहे हैं फार्माकोलॉजी यूनिट नंबर थर्ड, लेक्चर नंबर टू। यूनिट थर्ड है ऑटोक्वाइट्स के बारे में। ऑटोक्वाइट्स क्या होते हैं हमने इसके पहले लेक्चर में बताया था, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जाकर उसको पहले देखिए प्लेलिस्ट में। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे ऑटोक्वाइट्स में। बताया था चैप्टर नंबर वन में दो आपके ऑटोक्वाइट्स बारे में पढ़ना है, एक है आपका हिस्टामिन और दूसरा है सीरोटोनिन 5-HT। तो हिस्टामिन अगर आपको याद होगा दोस्तों तो मेडिसिनल केमिस्ट्री में मैंने पढ़ाया है पूरा डिटेल। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस चैप्टर का नोट्स नहीं बनाना है, मेडिसिनल केमिस्ट्री वाला नोट्स ही एज इट इज और कॉपी के लिए पूरा का पूरा डिक्टो सेम। सिर्फ वहां का सार मत लिखिएगा, सिंथेसिस मत लिखिएगा, सारा का सारा सेम है। फिर भी मैं आपको एक क्विक रिवीजन देता हूं हल्का सा कि देखिए हिस्टामिन क्या होता है। फ्रेंड मैंने बताया कि ये ऑटोक्वाइट्स है, ये हमारे बॉडी के ऑटोक्वाइट सेल से निकलते हैं। तो हिस्टामिन जो होते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में प्लांट्स के अंदर भी होते हैं, एनिमल्स के भी अंदर होते हैं। हिस्टामिन शब्द दो शब्द से मिलकर बना, हिस्टा प्लस अमीन। हिस्टा मतलब होता है टिश्यूज और अमीन मतलब होता है अमीन, क्योंकि इसके अंदर NH2 ग्रुप लगा है, अमीन है, तो इसलिए इसका नाम क्या रखा गया था, हिस्टामिन रखा गया था। जैसे कि आपने मेडिसिन में पढ़ा था कि ये टिश्यूज के अमीन से अमीनो ग्रुप कंपाउंड निकलता है, केमिकल निकलता है, जिसको हिस्टामिन कहते हैं। और इसको 1907 में विंडोज और वॉक ने सबसे पहली बार इसको डिस्कवर किया था, आइसोलेट किया था, और सबसे पहले इसको लीवर और लंग की कोशिकाओं से आइसोलेट किया गया था। बाकी हिस्टामिन की अगर थोड़ी सी बात करें कि कहां कहां यूज है, तो इसका बहुत सारा फिजियोलॉजिकल रोल है, जैसे कि एलर्जिक रिएक्शन में, टिश्यू इंजरी में, इन्फ्लामेशन में, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में इसका यूज होता है। अगर हम बात करें केमिस्ट्री ऑफ हिस्टामिन की, तो केमिस्ट्री ऑफ हिस्टामिन में क्या है, ये वाला जो रिंग आप देख रहे हैं, दिस इज इमिडाजोलिन रिंग, और इमिडाजोलिन के साथ अल्फा बीटा और एक कार्बन के चेन के साथ अमीन ग्रुप यहाँ पे लगा होता है। यहाँ कह सकते हैं कि एथिल अमीन, देखो CH2 CH2 NH2, एथिल अमीन के साथ बीटा पोजिशन पे इमिडाजोल रिंग जुड़ा होता है। सिंपल सी बात कह सकते हैं जो कि मेडिसिन में आपने ऑलरेडी देखा हुआ। ठीक है, तो ये सारा इसका इंट्रोडक्शन, इसका डिटेल, इसकी केमिस्ट्री आपको कहां से लिखना है, मेडिसिन कॉपी की नोट से, या मत लिखिए, डायरेक्ट जाके वहां से पढ़ लीजिएगा। अगर लिखना चाहते हैं तो आप वहां से लिख सकते हैं, नोट्स आपको आपके वेबसाइट पे ऑलरेडी बनी हुई है, आप देख सकते हैं। फिर हम पढ़ेंगे इसका बायोसिंथेसिस, इसका स्टोरेज एंड मेटाबॉलिज्म, जो कि मैंने वहां पे पढ़ाया था पहले से, कैसे बनता है। ये हिस्टिडीन से बनता है, हिस्टिडीन आप जानते हैं क्या होता है, उसमें भी इमिडाजोलिन रिंग है, दिस इज ये हिस्टिडीन है। ठीक है, ये हिस्टिडीन क्या होता है फ्रेंड, यहाँ पे CH2 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 NH2 और यहाँ पे C डबल बॉन्ड खुले। अब क्या होता है कि हिस्टिडीन का स्ट्रक्चर, अगर आपको याद होगा ये स्ट्रक्चर है हिस्टिडीन का। अब हिस्टिडीन से करा तो डी कार्बोक्सिलेशन, यहाँ पे होता है एल हिस्टिडीन डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम, जो होता है LHT, एल हिस्टिडीन डी कार्बोक्सिलेज, और यहाँ से ये CO2 ग्रुप गायब हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, सिंपल सा हिस्टिडीन, यानी ये स्ट्रक्चर के साथ यहाँ पे क्या जाएगा, CH2 CH2 और NH2। ठीक है, तो बायोसिंथेसिस भी मैंने पढ़ाई हुई है मेडिसिन में, वहां से आप देख के ले सकते हैं कि हिस्टिडीन मिलता है। हाँ, एक चीज ध्यान दीजिएगा, जीपेड इक्वेशन है कि यहाँ पे एक को एंजाइम यूज होता है, जब ये रिएक्शन होता है तो एल हिस्टिडीन डी कार्बोक्सिलेज के साथ एक को एंजाइम यूज होता है, जिसका नाम है पिरिडॉक्सल 5-फॉस्फेट। कहां से मिलता है, पिरिडॉक्सल 5-फॉस्फेट, और ये कहां बनता है बायोसिंथेसिस, हमारे शरीर के मास्ट सेल, हिस्टामिन कहां से निकलता है, मास्ट सेल में, और मास्ट सेल कहां पाए जाते हैं, ज्यादातर स्किन में, लंग्स में, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में और इसके बोन में। ठीक है, फिर बात आती है कि जब ये बन गया, सिंथेसिस हो गया, तो कैसे ये स्टोरेज होता है, स्टोरेज की बात हम लोगों ने किया कि वेसिकल्स के अंदर स्टोर होते हैं, मैंने आपको बहुत डिटेल पढ़ाया था मेडिसिनल केमिस्ट्री में। उसके बाद ये रिलीज कैसे होते हैं, फिर ये किस रिसेप्टर से बाइंड करते हैं, रिसेप्टर आपको याद होगा H1 H2 H3 H4, रिसेप्टर के बारे में बात करेंगे। फिर हिस्टामिन का क्या क्या फिजियोलॉजिकल एक्शन है, हिस्टामिन किस किस जगह पे कहां कहां कौन सा काम करता है, हार्ट में, लंग में, किडनी में, लीवर में, ब्रेन में, तो वो इसका फिजियोलॉजिकल एक्शन है, ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है मेडिसिनल केमिस्ट्री में। फिर इसके कौन कौन से एंटागोनिस्ट होते हैं, H1 एंटागोनिस्ट, H2 एंटागोनिस्ट, H3, H4, H5, इनके क्लासिफिकेशन, और इन सभी एंटागोनिस्ट का पूरा फार्माकोलॉजिकल एक्शन और थेरेप्यूटिक यूज। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो चैप्टर वन जो है हिस्टामिन, जो टॉपिक वन है चैप्टर वन में, वो पूरा का पूरा ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो मेडिसिनल की कॉपी का पूरा का पूरा यहाँ पे कॉपी पेस्ट मारिए, या बिल्कुल मत लिखिए, वहीं से पढ़ लीजिए, बस अंतर क्या है कि सिंथेसिस और सार छोड़ दीजिए, बाकी एज इट इज पूरा सेम। क्लियर हो गया फ्रेंड, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है बस। अब हमारा क्या है, इस चैप्टर नंबर वन में जो दूसरी ड्रग है
दिस इज कॉल्ड 5-HT जिसको बोलते हैं सीरोटोनिन। तो सेम कहानी पढ़नी है, सीरोटोनिन कैसे बनता है, कैसे रिलीज होता है, बायोसिंथेसिस, स्टोरेज, रिलीज, रिसेप्टर, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, फिजियोलॉजिकल रोल, थेरेप्यूटिक यूज, ये सारा का सारा सीरोटोनिन, क्योंकि इसको आपने नहीं पढ़ा है। तो अगला लेक्चर जब मैं लेकर आऊंगा तो सीरोटोनिन पे बात करूंगा और उसको पढ़ूंगा, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग ऑलरेडी आपको पता है कहां से पढ़ रहा है, और मेरे लेक्चर जाके देखिएगा, मैंने उस लेक्चर को लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वो सारे लेक्चर एक बार फिर से देख लीजिएगा, सारा कुछ वही आपका तैयार हो जाएगा। थैंक यू सो मच।